हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारे एक दोस्त ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है जितेंद्र जी ने, जी सर 775 एक नंबर है जो कि ऑक्टल में है, इन्हें ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्त आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताऊंगा जी किस तरीके से आप इस नंबर को जो है वो ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई ने हमारी ये वीडियो देखी है, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पेंट पर। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर नंबर लिख लिया है 775, जिसका बेस 8 है और हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो दोस्तों, ये नंबर जो है ना कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने नंबर लेना है जो कि हमारा ये ऑक्टल नंबर है। नंबर को आपको जो है दोस्तों राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जो है आपको रीड करना है ताकि हमारा आंसर बिल्कुल राइट आए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जी हम अपने आंसर को वेरीफाई कैसे करें जी, हमारा जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग है। अब दोस्तों, जो राइट साइड वाली पहली डिजिट्स है इसकी वैल्यू आपने हमेशा जीरो माननी है। उसके बाद जो दूसरी डिजिट्स है इसकी वैल्यू आपने वन माननी है। जो तीसरी डिजिट्स है इसकी वैल्यू हम दोस्तों टू मानेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आगे हमारी यहाँ पर कोई डिजिट्स होती तो हम उसकी वैल्यू 3, 4, 5 मानते चले जाते। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने करना क्या है कि जो 7 है आपको सबसे पहले यहाँ पर ये डिजिट्स लिखनी है 7। फिर दोस्तों आपने इसको मल्टीप्लाई गुणा करना है इसके बेस से जो कि हमारा 8 है, 8 है। अब दोस्तों 7 की जो वैल्यू थी वो थी 2, तो आपने 8 की पावर रख देनी है 2। इतना सा आपको काम करना है। इसके बाद दोस्तों अब आपने यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है और दूसरी वाली डिजिट्स लिखनी है जो कि यहाँ पर 7 ही है। अब दोस्तों 7 को फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से, लेकिन इस बार इस 7 की जो वैल्यू है वो है 1, तो 8 की पावर आ जाएगी 1। उसके बाद दोस्तों फिर से हमने यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन लगाना है और ये जो 5 है हमने यहाँ पर ये 5 लिखना है। दोस्तों 5 को फिर से हमने मल्टीप्लाई करना है 8 से और दोस्तों 5 की जो वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पर 8 की पावर आ जाएगी 0। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये 7 का आपको 7 ऐसे ही रखना है मल्टीप्लाई। अब दोस्तों 8 की पावर 2 कैसे होगी, तो दोस्तों 8 की पावर 2 का मतलब 16 नहीं होगा जी, 8 × 16। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 × 8, तो यहाँ पर दोस्तों 8 × 8 = 64, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 64। उसके बाद दोस्तों अब आपके पास ये जो है वो प्लस का साइन आएगा। अब आप यहाँ पर ये 7 का 7 लिखें, आप मल्टीप्लाई करें 8 की पावर 1 का जो मतलब है वो आपका 8 है। इसके बाद दोस्तों फिर से आप यहां पर प्लस का साइन लगाएं और आप अपना जो है वो 5 लिखें मल्टीप्लाई। अब देखें दोस्तों, अगर किसी डिजिट्स की वैल्यू 0 होती है तो इसका जो इक्वल है वो आपका 1 होता है। तो यहां पर अगर कोई भी नंबर्स होता है, चाहे वो 1 होता, 2 होता, 5 होता, 9 होता, अगर उसकी वैल्यू, उसकी जो पावर है वो 0 है, तो उसका जो इक्वल है दोस्तों वो 1 रहेगा। तो यहां पर आपने 1 लिखना है। अब दोस्तों आप इसे सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर। तो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 448। तो दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। वीडियो को आप इतनी देर के लिए रोक दीजिएगा, पाउज कर दीजिएगा और आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से आपने यहाँ पर जो है वो प्लस का साइन लगाना है। अब आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है 8 में, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि 7 × 8 = 56, मतलब 7 × 7 = 56। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर फिर से प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पर दोस्तों आप क्या करना है, 5 को जब 1 में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपका 5 आएगा। इसके बाद दोस्तों अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इन सबको सम कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सम है वो आ जाएगा 509। इसका बेस दोस्तों हम यहाँ पर कर देंगे 10। तो दोस्तों ये जो है वो हमारा आ गया है आंसर। अब दोस्तों हम जो है वो अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम विंडोज़ कैलकुलेटर में जाते हैं और आपको पता है कि ये इस तरीके से कैलकुलेटर सेट होता है। तो आपको मैं सम करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि भाई 448 + 56 + 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 509 आ रहा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मैंने 509 ही लिखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है वो प्रोग्रामर पर जाना है। आपने प्रोग्रामर पर आ गए, अब हमारा जो नंबर है ये ऑक्टल नंबर है 8, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्टल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना नंबर लिखेंगे 775। अब दोस्तों हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि हमारा जो आंसर है वो 509 आया। तो दोस्तों यहाँ भी हमारा जो आंसर है वो 509 ही आया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने आंसर को वेरीफाई किया जी, हमारे जो आंसर है वो एकदम राइट आंसर आया है।
तो दोस्तों क्वेश्चन को करने के बाद आपको अपना आंसर भी वेरीफाई करना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि आपने जो आंसर निकाला है वो राइट है या रॉन्ग है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।